आज की डेट में इसको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आ गया है, वो भी इंटरनेशनल सिटी का खिताब दिया गया है इसको, अच्छा, सर्टिफाइड है ये। और ये टॉप मोस्ट जो इंडिया की टॉप 10 सोसाइटीज आती है ना, उसमें से एक है, प्लस वर्ल्ड की टॉप 15 सोसाइटीज में से एक आती है वर्ल्ड की। फ्रेंड्स, अभी हम हैं मुंबई में और मुंबई शहर के अंदर ये एक सोसाइटी है। बाकी मेरे साथ जो मेरे साथी कैमरामैन है नितेश जी, इनसे ही जानेंगे कि कौन सी सोसाइटी है ये। इधर दिखाओ एक बार क्या क्या है ये। सर आर्टिफिशियल लेक बनाया हुआ है यहाँ। अच्छा, पूरा पानी अभी भरना शुरू हो जाएगा, मानसून चालू हो गया है, तो ये पूरा पानी जब भर जाएगा ना तो आपको और भी सुंदर व्यू आएगा। मतलब ये आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल है मतलब ये नेचुरल नहीं है, ये सोसाइटी के लिए बनाया हुआ है पूरा। अच्छा, पूरा बना के एक मतलब टूरिस्ट पॉइंट बना दिया जो इंटरनली है। आप लोग मतलब अभी पानी कम है फिलहाल, इसमें फिलहाल पानी कम है, बाद में अब बारिश शुरू होगी तो ये ऊपर तक पूरा जो लेवल है ना वॉल लेवल तक पूरा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, पूरा यहाँ तक कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर रहने वाले लोग आ सकते होंगे। हाँ, यहाँ पर अच्छा, ये ऊपर 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 दिखाओ ये क्या, देखो कितना शानदार। ये आजियली पहाड़ है। हाँ, तो ये पहाड़ी के ऊपर बादल दिखाई पड़ रहे हैं शानदार। हाँ हाँ हाँ, वो पहाड़ी के एकदम आप ऊपर चले जाओगे ना तो आपको सामने दिखेंगे, रोड जाता है वहाँ, रोड जाता है बिल्कुल, बिल्कुल गाड़ी जा सकती है वहाँ ऊपर आराम से। कुछ मकान भी बने हुए कुछ? हाँ, वहाँ पूरी बस्ती है सर, मतलब प्रॉपर लोग रह रहे हैं वहाँ फिलहाल, गाड़ी वगैरह सब जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर रास्ता है। ये कौन सी जगह है, मुंबई की कौन सी जगह है ये? हम डोंबिवली में है फिलहाल, सेंट्रल मुंबई आती है ये। सेंट्रल मुंबई, डोंबिवली, डोंबिवली, डोंबिवली में ये जो इधर ये जो सोसाइटी खड़ी है, जिस सोसाइटी के हम इसे पार्क में कह सकते हैं, इसमें खड़े हैं। हाँ जी हाँ जी, ये कौन सी सोसाइटी? ये पलावा सिटी है, पलावा सिटी का फेज टू है। अच्छा, जो फेज वन है वो डेवलप हो चुका है और ये हो रहा है, ये उससे भी बड़ा है। अच्छा, कंपेरेटिव अगर देखने जाओगे तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, ये टोटल जो आता है ना वो 4,500 एकड़ की सोसाइटी है। हाँ हाँ, तो इसमें वेल प्लान सिटी है, सारी चीजें अंदर ही सोसाइटी के अंदर ही सब कुछ है। अच्छा, जिम विम स्विमिंग पूल वगैरह तो बेसिक है, फिर आपको स्कूल चाहिए हो, हॉस्पिटल चाहिए हो, मेट्रो भी यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही बन रहा है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन भी अंदर, सोसाइटी के अंदर ही, बैंक वगैरह सब कुछ है, स्कूल वगैरह, स्कूल है, स्कूल में भी अच्छा तीनों प्रकार के स्कूल है। अच्छा, SSC बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICBSE बोर्ड, तीनों स्कूल है। अच्छा, लेक के ऊपर कुछ लोग बैठे भी है ना नीचे पानी में पत्थर मार के देख रहे हैं, जब तक पानी ऊपर फ्लो नहीं आया तब तक तो वहाँ कुछ भी कर सकते हो। सही बात, बाद में फिर दिक्कत हो जाती होगी, है ना। अच्छा, एक बात और कि ये जैसे ये जो सोसाइटी है फेज टू है, तो यहाँ पर अभी सेल परचेज चली रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी चल रही है फिलहाल, फेस वन जो है वो डिलीवर्ड है, बाकी यहाँ पे अभी भी करा और लोग रहने भी आ गए, दोनों चीजें मतलब। अच्छा, बन भी रहा है, बन चुका भी है, रह भी रहे हैं, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस, मतलब आने वाले 10 साल तक बिकता ही रहेगा। चलो, एक मैंने वीडियो देखी थी बहुत समय पहले, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। हाँ हाँ, कि एक वीडियो हमने देखी, वो जो वीडियो देखी थी वो देखी थी अमेरिका की एक सोसाइटी की। हाँ हाँ, काफी समय पहले की बात है वो। उस बंदे ने डाला था कि ऐसे नीट एंड क्लीन, इस तरह की सोसाइटी वो दिखा रहा था कि ऐसे नीट एंड क्लीन जो है ना सोसाइटी हमारे इंडिया में तो हो ही नहीं सकती। बाकी यहाँ साफ साफ तस्वीरों में दिख रही है कि कितनी शानदार सोसाइटी। अच्छा, तो इसी बात पे मैं आपको बताता हूँ, जो उन्होंने बोला होगा कि हाँ, इंडिया में ऐसी सोसाइटीज नहीं है, तो ये सोसाइटी बनाई गई थी इंडिया के हिसाब से जी, लेकिन आज की डेट में इसको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आ गया, वो भी इंटरनेशनल सिटी का खिताब दिया गया इसको, अच्छा, सर्टिफाइड है ये। और ये टॉप मोस्ट जो इंडिया की टॉप 10 सोसाइटीज आती है ना, उसमें से एक है, प्लस वर्ल्ड की टॉप 15 सोसाइटीज में से एक आती है वर्ल्ड की, वर्ल्ड की टॉप 15, टॉप 15 में से, और पोल्यूशन फ्री है लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिव इसी हिसाब से बनाया गया है कि नॉर्मली कहीं पे भी मुंबई देख लो, दिल्ली देख लो, बड़ी बड़ी जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए बना, आप सामने देख सकते हो पूरा ही ग्रीनरी है, और ये ग्रीनरी पूरी सोसाइटी में, अंदर भी सोसाइटी के बीच में भी मिलेगा आपको, पार्क वगैरह हर तरह का, और मोटा मोटा आप ये पकड़ के चलो 60-65% जो जमीन है ना वो ग्रीन जोन ही रखा हुआ है, सिर्फ 40% जगह पे बिल्डिंग बनाएंगे, 60% ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन जोन है, और रेजिडेंशियल इलाके में इतना होना बहुत बड़ी बात हो गई अपने आप में, उस हिसाब से ये प्लानिंग करनी थी, साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन। तो चलिए, आपको कैसी लगी ये जो सोसाइटी है और कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी बने रहिए हमारे साथ मुंबई टूर पर। जय हिंद, जय भारत।